नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुज मौर्य और आप देख रहे हैं अंबुज मौर्य इंश्योरेंस मोटिवेटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इलाहाबाद में जो भी यहाँ की चीज़ें हैं ऐतिहासिक, दर्शनीय या देखने लायक, उसको मैं दिखाऊंगा। और एक चीज़ और दोस्तों, थैंक यू आप लोगों को। जैसा कि मैंने पहली वीडियो का लक्ष्य रखा था कि 10 सब्सक्राइबर और 50 प्लस व्यूज, तो मुझे वीडियो अपलोड करने के 3 से 4 घंटे में हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू आप लोगों का। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिए और आइए आपको दिखाते हैं जो आज हमें दिखाना है इस वीडियो में। आज मेरे साथ हैं ऋतिक मून सिंह, ये मेरे साथ ही रहते हैं और अभी ये अंडर ग्रेजुएट में हैं, तो आज ये मेरे साथ चलते हैं, देखते हैं, आइए आपके लिए चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, आज हम आपको यहाँ का ओल्ड कैंट एरिया दिखाने जा रहे हैं और ओल्ड कैंट में अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये कॉलोनीज है ओल्ड कैंट की और ये देखिए, ये रहा ओल्ड का, ओल्ड कैंट में जो कॉलोनीज बनी है उसका गेट है ये, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये यहाँ पे एक पार्क है और ये इधर सेना का गेट है। फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कैंटोनमेंट एरिया खत्म होता है और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो है तेलियर रंज का एरिया शुरू होता है, इधर तेलियर रंज का बोर्ड लगा हुआ है। और अब हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं जो है यहाँ एक मंदिर है शंकर जी की, बहुत फेमस मंदिर है, तो वो मंदिर आपको हम दिखाते हैं, आगे मंदिर ले चलते हैं। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मंदिर से पहले जो है एक स्कूल है जिसका नाम है महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर और ये सीबीएसई बोर्ड से चलता है। और आप मंदिर देख पा रहे हैं, हमारे पीछे ही मंदिर है, वो रही मंदिर, आइए पास से चलते दिखाते हैं। गेट बंद। फ्रेंड्स, हम मंदिर पहुंच चुके हैं और ये मंदिर और हमारे साथ ऋतिक, आइए हम दिखाते हैं आपको अंदर से मंदिर। फ्रेंड्स, और ऋतिक वहाँ घूम रहा है, मंदिर देख रहा है। और यहाँ पे हमने एक चीज देखा, यहाँ पे गुलाब जो है बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा है लेकिन वो बहुत बड़े बड़े गुलाब हैं, मतलब मुझे यहाँ से बड़े बड़े दिख रहे हैं, मैं पास से अगर देखूंगा कितने बड़े दिखेंगे।
टाइम हो चुका है मंदिर चलने का, एक बार और मंदिर देख लीजिए। ये रहा मंदिर। इस मंदिर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये मंदिर बना था हमारे यहाँ जब सुश्री मायावती जी सीएम थी, तब उनके कार्यकाल में ये मंदिर बना हुआ था। और इसीलिए यहाँ पे आप हाथी देख पा रहे होंगे पीछे, ये रित्ति के पीछे हाथी है जो कि उनकी पहचान है। कुंभ 2019, जो कि कल वाली वीडियो में मैंने गलत बोल दिया था, कुंभ 2018 बोल दिया था, लेकिन ये कुंभ 2019 है जो 4 जनवरी से 15 मार्च तक रहेगा। और उसमें काम क्या क्या हो रहे हैं, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये सारी रोडें जो हैं फिर से बन रही हैं, चौड़ी हो रही हैं। और ये बीच बीच में लाइट देख रहे हैं आप, स्ट्रीट लाइटें जो है वो बीच में लगी हुई हैं पूरा, जो कि पहले साइड में थी यहाँ पर, जैसे कि ये पोल देख पा रहे हैं आप। अब इन सबको निकाल दिया जा रहा है और सारी की सारी लाइटों को जो है बीच में लगाया जा रहा है। जा रहे हैं हम लोग अब रूम पर अपने। फ्रेंड्स आइए देखते हैं इलाहाबाद की खूबसूरती, जो कुंभ की तैयारियों में चल रहा है तब से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये जो बस आप अभी देख रहे हैं ये जो जा रही है, ये बस आ रही है इधर गोरखपुर से, नहीं गोरखपुर से नहीं, ये बस आती है इधर सुल्तानपुर से और प्रतापगढ़ से। जो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और लखनऊ जो बसें आती हैं वो तेलियरगंज से होके आती हैं इलाहाबाद। फाइनली फ्रेंड्स हम रूम में पहुंच गए हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।